अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 55 प्रांतीय अधिवेशन 23 से 25 दिसंबर तक सतना के सीएमए ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। जिले को 16 साल बाद अधिवेशन की मेजबानी का अवसर मिला है, लिहाजा कार्यकर्ता पूरे उत्साह के साथ तैयारी में जुटे हैं। एबीवीपी महाकौशल प्रांत के प्रांत मंत्री आशुतोष तिवारी ने बताया कि इस अधिवेशन में प्रदेश के सभी जिलों में 1000 से अधिक छात्र छात्राएं एवं प्राध्यापक सहभागिता करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला संयोजक सूर्यांशु प्रताप सिंह, नगर अध्यक्ष डॉक्टर छाया श्रीवास्तव, नगर मंत्री शिवेंद्र चतुर्वेदी भी उपस्थित रहे। प्रांत मंत्री ने बताया कि अधिवेशन में शैक्षणिक परिदृश्य और मध्य प्रदेश के वर्तमान सामाजिक परिदृश्य समेत 4 प्रमुख प्रस्तावों पर चर्चा होगी और पारित प्रस्तावों को सरकार को भेजा जाएगा। एक प्रश्न के उत्तर में प्रांत मंत्री आशुतोष तिवारी ने महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव को प्रत्यक्ष प्रणाली से कराए जाने को आवश्यक बताते हुए कहा कि विद्यार्थी परिषद हर साल सरकार से यह मांग करती आ रही है। प्रत्यक्ष प्रणाली से होने वाले चुनाव छात्र हित में है और इनसे छात्रों में राजनैतिक कौशल क्षमता का विकास होता है। यह पूछे जाने पर कि क्या विद्यार्थी परिषद के प्रस्तावों पर भाजपा की सरकारें भी गंभीरता और शीघ्रता से काम नहीं करती हैं, प्रांत मंत्री ने कहा कि विद्यार्थी परिषद गैर राजनीतिक छात्र संगठन है। छात्र हित में सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन करने से संगठन कभी पीछे नहीं हटा। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने की मांग भी विद्यार्थी परिषद ने ही 1970 में उठाई थी। संगठन सामयिक मुद्दों पर भी मुखर रहता है लेकिन कभी श्रेय लेने की होड़ में शामिल नहीं होते हैं। नगर और ग्राम मिला के 5000 से ज्यादा स्थानों के विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता है और अपने इस बार अपनी जो सदस्यता हुई है और जो कार्यकारिणी बनाने का एक वो था अपना इकाई बनाने का, वैसे 68,000 कैंपस में हम पहुंचे हैं महाकौशल प्रांत में अपनी